नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गर्मियों के विकराल तेवरों के बीच मनुष्य का जीवन स्वच्छ पेयजल और ऑक्सीजन युक्त हवा पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान समय में उमस भरी गर्मी के बीच ना तो सभी जगह समय पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है और ना ही नियमित रूप से बिजली की उपलब्धता। पानी और बिजली रेल कर्मचारियों का बुनियादी हक है। उक्त बातें आज बरौनी जंक्शन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सोनपुर मंडल के मंडल मंत्री श्री सतीश चंद्र त्रिवेदी ने अपने संबोधन में यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। श्री त्रिवेदी ने कहा कि बरौनी गढ़हारा के रेल कर्मचारी पानी और बिजली को लेकर परेशान है और प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा संबंधित अभियंता के खिलाफ आंदोलन करेगी। वहीं उनके बरौनी दौरा के दौरान उनका मुख्य भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। शाखा मंत्री जीवानंद मिश्र ने बताया कि पानी का पंप खराब हो गया है और अधिकारी के गलत नीति के कारण इस भीषण गर्मी में कर्मचारियों को पानी नहीं मिल पा रही है। वहीं विद्युत का तार जर्जर हालत में है और भीषण गर्मी में विद्युत शाम होते ही आंख निचोली करने लगती है। मौके पर कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, संयुक्त शाखा मंत्री अशोक कुमार झा, रमेश कुमार, विनय कुमार, अभिनव कुमार, शिवजी कुमार आदि उपस्थित थे। तेघर से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।